4, 3, 2, 1। भाइयों व बहनों, जैसा आप जानते ही हैं, मेरे पिता एक सच्चे देशभक्त थे। उनके हृदय में हमारे देश, हमारी संस्कृति और परंपराओं के लिए उत्कट प्रेम था। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में उन्होंने नए और आगे बढ़ते हुए भारत की आवाज उठाई। सारी दुनिया की पद दलित और शोषित जनता के लिए वे स्वतंत्रता के संदेशवाहक बन गए थे। केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता। वे यह बात अच्छी तरह समझते थे कि आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। वे इतिहास के विवेचक भी थे। वे हमारे समाज की दुर्बलताओं को समझते थे। उन्होंने समाज में फैले अंधविश्वास और संकीर्णता को दूर करने के लिए अथक प्रयत्न किया, जो विज्ञान और तकनीकी प्रगति में बाधक रहा। वे जानते थे कि जब हम अपने जीवन और चिंतन में बुद्धि से काम लेंगे, तभी हमारी आत्मा स्वतंत्र हो सकती है। वे समझते थे कि भारत में जीवन का वेग तभी उमड़ेगा जब इसकी आत्मा स्वतंत्र होगी, किंतु गांधी जी की तरह वे यह भी जानते थे कि स्वतंत्रता तभी संभव हो सकती है जब शरीर की अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी हों। इसी कारण उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया था, जिससे देश के लोगों की हालत अच्छी हो और उनका दृष्टिकोण उदार बने। सच्ची संस्कृति मिलाती और जोड़ती है। हमारे देश के महान पुरुषों ने हमारे प्राचीन मनीषियों के विचारों को ऐसी सरल भाषा में प्रस्तुत किया जो सर्वसाधारण की समझ में आ सके। हमारा जीवन के प्रति दृष्टिकोण दार्शनिक है, लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। हमारी शानदार सभ्यता का निर्माण भौतिक समृद्धि के बिना नहीं हो सकता था। साथ ही भारतीय संस्कृति में बाहर से विचारों को ग्रहण करने की क्षमता है। हम विविधता में एकता का निर्माण करना चाहते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि जब भी आवश्यकता हुई, देश में महान पुरुष पैदा हुए। जवाहरलाल नेहरू भी उन्हीं में से एक थे। उन्हें भारत के लोगों से बेहद प्यार था और उन्हीं के लिए वे जिए भी। उन्होंने अपनी वसीयत में कहा था, मेरी इच्छा है कि भारतवासी मुझे इस तरह से याद करें। वह ऐसा आदमी था जो भारत से और भारत के लोगों से दिलो जान से मुहब्बत करता था, और उन्होंने भी उसे बेहद प्यार किया और उस पर मेहरबान रहे। भाइयों व बहनों, आज यहाँ एकत्र हम में से बहुत से लोग नेताजी को भलीभांति जानते हैं। आज
हमारा जी उस नेता की याद से भर आया जिसने हमें दिल्ली चलो का नारा दिया था। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी यह तलवार जिसे प्राप्त करने का हमें आज सौभाग्य मिला है, उनके सुंदर और भव्य व्यक्तित्व की याद दिलाती है। निस्संदेह नेताजी भारतीय शौर्य के प्रतीक थे। मुझे अब तक याद है कि बचपन में उनकी तेजस्वी आँखों से निकलती हुई आग को देखने से हमें रोमांच हो जाता था। इस आग ने, देशभक्ति की इस ज्वाला ने आज़ाद हिंद फौज को जन्म दिया। इस सेना में सम्मिलित होकर देश के वीर पुरुषों और स्त्रियों ने स्वतंत्रता के लिए युद्ध किया और हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक नया जोश भर दिया था। हमारे देश में स्वतंत्रता की लड़ाई बहुत लंबे समय तक चली। असंख्य लोगों के बलिदान ने स्वतंत्रता की अग्नि को जीवित रखा। मातृभूमि पर सर्वस्व न्यौछावर करने वाले देशभक्तों में नेताजी का स्थान बहुत ऊंचा है। हर भारतीय के दिल में उनके लिए आदर और प्रेम रहेगा। राजनीति में प्रवेश करने के बाद नेताजी ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। पूरे देश में एक नया उत्साह, नया जोश भर दिया। उनका क्रांतिकारी व्यक्तित्व उन्हें ऐसे रास्ते की ओर ले गया जो हम लोगों के रास्ते से कुछ अलग था। गांधी जी कहा करते थे कि गलत रास्ता केवल वह है जिसे डरपोक आदमी अपनाते हैं। साहसी लोगों का रास्ता कभी गलत नहीं हो सकता। नेताजी का रास्ता वीरता का रास्ता था और इससे निस्संदेह स्वतंत्रता और निकट आई। हमें वंदे मातरम का मंत्र वंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। यही गीत आगे चलकर स्वतंत्रता सेनानियों का युद्ध गीत बना। आज़ादी मिलने पर रविंद्र ठाकुर के जनगण मन को राष्ट्रगान बनाया गया, लेकिन आज नेताजी का जय हिंद ही हमारा सबसे बड़ा राष्ट्रीय नारा है। यह उत्तर से दक्षिण तक भारत के कोने कोने में गूंजता है। इस नारे से हमें नेताजी की याद तो आती ही है, साथ साथ उन आदर्शों का भी ध्यान आता है जो नेताजी ने हमारे सामने रखे थे। माननीय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने अपने भाषणों में राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया है और आज की परिस्थितियों में यह आवश्यक है।